25 नवंबर भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर संदेश खाली को लेकर। बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी ने वार किया है। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना, बंगाल सरकार का चेहरा दरअसल अमानवीय है। बंगाल की भूमि अत्याचार से छलनी हो चुकी है। बंगाल में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा। शाहजहां शेख अभी तक फरार कैसे है? पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? ये तमाम सवाल है जो बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किए। शाहजहां शेख को सेकुलर प्रोटेक्शन दिया जा रहा। टीएमसी और कांग्रेस संदेश खाली पर चुप क्यों है? बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका क्यों जा रहा है? ये सवाल किया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि टीएमसी नेता के घर पर यह हमला, बाइक और घर की बाउंड्री के साथ तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। पुलिस ने लोगों के गुस्से को शांत भी कराया है। तो खामोशी, या फिर आप यूं कह लीजिए कि जो एक्शन नहीं हुआ है, वो एक्शन नहीं होने का गुस्सा किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है कि लोग टीएमसी नेता अजीत मेहती के घर पर पहुंच गए, उनके घर पर ही हमला कर दिया, बाइक और घर की बाउंड्री के साथ तोड़फोड़ की गई है। पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने लोगों के गुस्से को शांत कराया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोगों में गुस्सा है, लोग किस तरीके से आक्रोशित है। और बड़ी तादाद में आप तस्वीरों में देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं जो कि शाहजहां शेख को नहीं पकड़े जाने से गुस्सा है, महिलाएं जो कि अपने चीफ मिनिस्टर की खामोशी से गुस्से में है। किस तरीके से अजीत मेहती के घर पर ये महिलाएं पहुंच गई, हल्ला बोला है, ममता सरकार की पोल खोली है, जो घमासान है वो अब सड़क पर दिखने लगा है। लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश सड़क पर दिखने लगा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर है संदेश खाली में एक बार फिर से तनाव की खबरें आ रही हैं। शाहजहां शेख के भाई का घर फूंक दिया गया है। गुस्साई भीड़ ने सिराज शेख के घर में आग लगा दी है। सिराज शेख पर जबरन अवैध कब्जे का आरोप है। पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, ये बड़ी खबर है कि लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखने लगा है। एक तरफ टीएमसी नेता अजीत मेहती के घर पर हमला, दूसरी ओर सिराज के घर को फूंक दिया, ये खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, आपको बता दें अब संदेश खाली के लोगों के बीच जो है अब एक के बाद एक नए नाम भी सामने आ रहे हैं। कर झुककाली से लेकर आठ बेग मुजूर तक जिस तरह से शाहजहां शेख के भाई सिराज पर जो है आरोप लगते रहे हैं, आज बेग मुजूर में हमने देखा कि किस तरह जो गुस्साई भीड़ है एक कच्चे घर को जो है आग के हवाले कर दिया, क्योंकि सिराज पर जो है ये आरोप लग रहे हैं कि उसने जबरन वहां पर जमीन जो है हत्या ली है। और साथ ही दूसरी ओर हमने देखा कि अजीत माइती जो तृणमूल कांग्रेस के अंचल के प्रेसिडेंट है, वहां पर संदेश खाली में उनके घर को भी जो है तोड़ा फोड़ा जाने की जो है कोशिश की गई है। फेंस को तोड़ दिया गया, उनकी बाइक को भी तोड़ा गया और मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद जो है उन्हें वहां पर प्रोटेक्शन दी गई। साथ ही ये भी कहा गया, क्योंकि आज मौके पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार भी पहुंचे हैं और उनके तरफ से कड़े शब्दों में निंदा की गई है कि जो लोग जो है कानून को अपने हाथों ले रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी, तो अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके साथ अगर अन्याय हुआ है तो वो कानून को अपने हाथ में लेकर जो है घरों को फूकेंगे या फिर तोड़फोड़ मचाएंगे। तो ऐसे में मैसेज साफ है डीजीपी की ओर से कि जो है आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका भी कहना यह है कि इतने सालों तक जब वो पुलिस के पास जाते रहे हैं तब क्यों उनकी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई और क्यों तब तब जो है उनको शाहजहां शेख, उसके भाई सिराज या फिर शिबू हाजरा या उत्तम सरदार के पास जो है भेज दिया जाता था। तो गुस्सा काफी ज्यादा है, आक्रोश स्थानीय लोगों में, और हर दिन जो है कहीं ना कहीं संदेश खाली के किसी इलाके में हम ये गुस्सा फूटते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है उनके घरों पर भी जो है अटैक होना शुरू हो गया है। नहीं पूजा, ये जो तस्वीरें हमने देखी है या फिर अजीत मेहती के घर पर जो लोग पहुंचे हुए थे उनमें बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, उनके हाथ में चप्पल है और वो चप्पल से वार कर रही हैं। उनका गुस्सा आक्रोश इस बात को लेकर समझा जा सकता है कि वो बार बार कह रही हैं कि शाहजहां शेख को पकड़ा जाए, हाईकोर्ट तक की टिप्पणी है, लेकिन शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा जा रहा।
बिल्कुल, अगर आप इन स्थानीय लोगों की अगर बात सुने तो हर इलाके से संदेश खाली से एक ही गुहार लगाई जा रही है या एक ही डिमांड सामने रखी जा रही है कि शाहजहां शेख और अब उसके भाई सिराज की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि आज अजित माइते के घर जब गुस्साई भीड़ पहुंचती है तब उनके तरफ से कहा गया कि शाहजहां के साथ जो है अजित माइते भी लोगों की जमीन को जबरन जो है हत्याता था, साथ ही 100 दिनों का जो काम करते थे मनरेगा स्कीम के तहत उनको पैसा नहीं दिया जाता था। तो ऐसे में अब एक के बाद एक गुस्सा इस तरह से उमड़ रहा है इन लोगों के बीच कि अब कुछ और भी नाम सामने आ रहे हैं जो चुप बैठे थे और जिन्होंने शाहजहां शेख की जो है मदद की थी और उसके साथ काम कर जो है महिलाओं पे अत्याचार से लेकर जबरन लोगों की जमीन ले लेने के काम में जो है उनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। निश्चित तौर पर एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं, पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, ये तस्वीर जरा दिखाइए किस तरीके से महिलाएं पहुंच गई अजित मैथी के घर पर जो कि टीएमसी के नेता है और उन्होंने अपने हाथ में चप्पलें ले रखी थी। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि टीएमसी के नेता, टीएमसी का जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा है शाहजहां शेख को, वो शाहजहां शेख जिसके इशारे पर उसके लोग प्रताड़ित कर रहे थे लोगों को, महिलाओं को। महिलाएं कह रही कि उन्हें आधी रात को टीएमसी के दफ्तरों में बुलाया जाता था। सिराज का लोग महिलाएं नाम ले रही हैं, सिराज जिसे शाहजहां शेख का भाई बताया जा रहा है, कह रही कि सिराज ने कई लोगों की दुकान जमीन घरों पर कब्जा करके रखा हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लोग गुस्से में है, आक्रोशित है, और ये गुस्सा आक्रोश इसलिए बढ़ रहा है कि पुलिस के लोग इनकी बात नहीं सुन पा रहे, कार्रवाई नहीं हो रही है शाहजहां शेख पर, तो लिहाजा लोग खुद पहुंच गए अजित मैथी के घर पर, टीएमसी नेताओं के घर पर। तो ये तस्वीरें लोगों के गुस्से का संकेत है, प्रतीक है कि किस तरीके से लोगों ने टीएमसी नेता के घर पर हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी खबर, टीएमसी और कांग्रेस संदेश खाली पर चुप क्यों है? बीजेपी ने यह सवाल पूछा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा है। सुधांशु त्रिवेदी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जबरदस्त तरीके से हमला बोला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी पर। ममता सरकार पर बीजेपी ने निशाना साधा है और यह कहा है कि बंगाल सरकार का चेहरा मानवीय है। वंदे मातरम और जनगण मन दोनों लिखा गया वो राष्ट्रवाद के स्वर देने वाली बंगभूमि इस समय प्रताड़ित, दुखी और अत्याचार से पूरी तरीके से टूटी हुई महिलाओं के करुण स्वरों के द्वारा छलनी हो रही है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के महिलाओं, जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। शाहजहां शेख जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो अभी तक गायब है। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? कहते हैं साहब उसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन है, जो सरासर गलत है। हाई कोर्ट का कोई भी विषय इस संदर्भ में नहीं है। महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख पे की गई शिकायत के बारे में न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई निर्देश शाहजहां शेख के विषय में नहीं है। उल्टे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसलिए और अधिक हृदय विदारक है कि ये जो तथा कथित सेकुलर दल हैं ये तो नहीं बोल रहे, समझ में आता है, क्योंकि इनके लिए महिला का दर्द पहले वोट के तराजू पे तौला जाता है कि कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है,
उसके बारे में बोलना है या नहीं बोलना है। मगर दुख की बात यह है कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन ऑफ वुमेन राइट्स हैं, वो भी इस विषय के ऊपर पूरे भारत में मुंह में दही जमाकर बैठी हुई हैं। यानी यह भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। जो जो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो मौन समर्थन दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। व्याध समझते ना, कसाई। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यह ध्यान रखना होगा कि जो लोग भी आज चुप बैठे हुए इन घटनाओं पे, और मैं इसके आगे दूसरा विषय कहता हूं। तो बीजेपी यह भी सवाल पूछ रही है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो संदेश खाली पर बंगाल में हो रही इस हिंसा पर आखिरकार वो खामोश क्यों है, महिलाओं पर अत्याचार पर खामोश क्यों है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर है संदेश खाली हिंसा पर बंगाल डीजीपी का बयान, और बयान यह है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेगी। पुलिस सभी लोगों की मदद कर रही है, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। डीजीपी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन शाहजहां शेख पकड़ा कब जाएगा, इस बात का कोई जवाब अभी तक पुलिस के पास नहीं है। जारा मानुष निजेर हाथे आईन नेबे, ओदेर विरुद्ध फर्स्ट व्यवस्था होबे। कारो अभियोग थाकते पारे, कारो एटा थाकते पारे कि ओर प्रति अन्याय होइछे, किंतु जदि ओ लोक आईन निजेर हाथे नेबे, ओर आगे प्रथम व्यवस्था होबे। जदि केउ मने करे कि आमी निजे आईन निये आमार प्रति जे अन्याय होइछे ओटाके पूरण करते पारो, ओटा असम्भव ब्यापार आछे। आमरा एखाने जदि एरकम केउ चेष्टा करबे, एटा जे कारो जदि अभियोग थाके ओटा प्रशासन और पुलिस ओटा पूरण करबे।